हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स। फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आज की रिवीजन क्लास नंबर 4 है। बाकी के अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक 1, 2, 3, तो उन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टूडेंट, जितने भी रिवीजन क्लासेस के स्टडी मटेरियल हैं, जो भी हमने स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स के हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंपॉर्टेंट है सारी वीडियोस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड टॉपिक, फार्मास्यूटिकल एरोजल्स के बारे में। स्टूडेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये टॉपिक एरोजल से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हमने सिंगल वीडियो में कवर किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ एरोजल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजल्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ एरोजल्स, इवैल्यूएशन ऑफ एरोजल एंड इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। फर्स्ट आते हैं एरोजल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एरोजल, जिसे हम प्रेशराइज पैकेजेस भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? स्टूडेंट, जैसा कि नेम सजेस्टेड है यहाँ पर, प्रेशराइज पैकेज मतलब ऐसा पैकेज जो कि प्रेशर देकर, प्रेशर अप्लाई करके बनाया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये एक तरीके का क्या है, सिस्टम है जिसमें हम कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैसेस ऐड करते हैं, जिसके पास इतनी पावर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, जो कंटेनर में जो कंटेंट है, मींस जो भी हमारे कंटेनर में मेडिकामेंट या जो भी कंटेंट है उसके अंदर, उसको क्या कर सके, एक्सपेल आउट कर सके, मींस उसको वहाँ से निकाल सके। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरोजल और प्रेशराइज पैकेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ अ कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्रेस और लिक्विफाइड गैस होते हैं वो क्या करते हैं, पावर, उनके पास पावर होती है कि वो जो कंटेनर में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको एक्सपेल आउट कर सकें। नेक्स्ट लेते हैं कि इनके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोपेलेंट, देन है कंटेनर, देन वॉल्व एंड एक्वेटर, एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आते हैं प्रोपेलेंट पे। तो इन सभी के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो प्रोपेलेंट का फंक्शन क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो कंटेनर में कंटेंट को एक्सपेल करने के लिए जो प्रेशर होता है, ये क्या करते हैं, उस प्रेशर को डेवलप करते हैं। इनका वर्क यही होता है कि ये जो प्रॉपर प्रेशर होता है उसको डेवलप करते हैं विद इन अ कंटेनर। तो जब हमारा जो वॉल होता है कंटेनर का वो ओपन होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, प्रॉपर प्रेशर देकर जो हमारा कंटेनर में जो कंटेंट है उसको एक्सपेल आउट करते हैं। एंड और क्या हेल्प करते हैं, ऑटोमाइजेशन एंड फोम प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, देन है टॉपिकल हाइड्रोकार्बन, एंड थर्ड इज़ कंप्रेस्ड गैसेस। तो वन बाई वन देखते हैं टाइप्स को। सो स्टूडेंट, यहाँ इस टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट एंड उनके स्पेसिफिक एग्जांपल को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स के प्रोपेलेंट हैं एंड उनके स्पेसिफिक एग्जांपल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आता है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल होगा और एमसीक्यूज बन जाएगा। सो आपको जितनी भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, ट्राईक्लोरो मोनो फ्लोरोमीथेन, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, एंड थर्ड क्या है, डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट आते हैं टॉपिकल हाइड्रोकार्बन। इसमें एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एंड थर्ड टाइप है हमारा प्रोपेलेंट का कंप्रेस्ड गैसेस, जिसमें एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल डिजाइनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने केमिकल नेम लिया है एंड यहाँ पर न्यूमेरिकल डिजाइनेशन है। यहाँ पर हम जो हमारे केमिकल नेम हैं उनके न्यूमेरिकल पर बेस डिज़ाइन करते हैं इसे। तो यहाँ पर दिया गया है केमिकल नेम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल डिजाइनेशन नंबर 11 बिलोंग्स टू विच केमिकल नेम। तो आपको
आंसर पता होना चाहिए। सो फर्स्ट केमिकल नेम क्या है? ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। तो इसका डिजाइनेशन क्या है? न्यूमेरिकल 11। नेक्स्ट क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो इसका न्यूमेरिकल डिजाइनेशन क्या है? 12। नेक्स्ट है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो मीथेन, दैट इज 114। नेक्स्ट है डाइफ्लोरो इथेन, दैट इज 152 ए। एंड देन नेक्स्ट इज ब्यूटेन, दैट इज ए 17। देन आइसोब्यूटेन ए 31। एंड लास्टली प्रोपेन ए 108। सो स्टूडेंट, जो ए 17 न्यूमेरिकल नेम है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ड्रायर पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वायल जो हमारा ए 17 एंड ए 31 है, जो वाटरी स्प्रे होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हम प्रोपेलेंट कंटेनर में फिल करते हैं उसका अमाउंट वेरी होता है, मीन्स 5% से 95% तक होता है। दैट इज़ 5% के फोम्स होते हैं टू 95%, दैट इज इनहेलेशन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट्स। तो यहाँ पर प्रोपेलेंट्स के वेपर प्रेशर कब हाई होता है और कब लो होता है ये हमें देखना है। तो जो प्रोपेलेंट 12 होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड जो प्रोपेलेंट 114 होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। यहाँ पर दो लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डेल्टन लॉ एंड नेक्स्ट इज़ रॉल्स लॉ। सो स्टूडेंट, जो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, द टोटल वेपर प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच लॉ? तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ डेल्टन लॉ। तो डेल्टन लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है उसको मेजर करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। एंड रॉल्स लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंटेनर्स। स्टूडेंट, हमने प्रॉपेलेंट्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कंटेनर्स के बारे में। सो कंटेनर्स, स्टूडेंट जितना अच्छा कंटेनर होगा वो उतने हाई प्रेशर को टॉलरेट कर पाएगा, उतने हाई प्रेशर पर वो स्टैंड ले पाएगा। तो स्टूडेंट, जितना हाई प्रेशर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, दैट इज़ 140 to 180 PSIG, दैट इज़ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो यहाँ पर जो PSIG है और PSIA, जिसे हम PSIB कहते हैं, तो ये क्या है? ये इसके यूनिट है जो आपको पता होना ज़रूरी है, एंड इनका फुल फॉर्म भी। तो PSIG जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, एंड PSIA इज़ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंटेनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स होते हैं। तो इनमें फर्स्ट कंटेनर आता है टिन प्लेट कंटेनर्स। स्टूडेंट, हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं डिटेल में। सो स्टूडेंट, टिन प्लेट कंटेनर्स में क्या होता है, जो उसकी साइड्स होती है ना टिन की, तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो स्टील की जो शीट्स होती है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। एंड ये जो रीसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो टिन प्लेटेड कंटेनर्स होती हैं वो क्या होती है, वेल्डेड साइड सीम होती है। इसके प्रिपरेशन के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट आता है सौड्रॉनिक सिस्टम एंड सेकेंड आता है कोनोवेल्ड सिस्टम और प्रोसेस। सो जो हमारा सौड्रॉनिक सिस्टम होता है, इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, कॉपर वायर के इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। एंड जो कोनोवेल्ड सिस्टम होता है, इसको ये कैसे पास करता है, हमारे जो भी मटीरियल है उसको कैसे, बॉडी जो होती है फोल्डेड बॉडी को, वो किससे पास करता है, रोटेटिंग इलेक्ट्रोड रिंग की मदद से। जो दो रोटेटिंग इलेक्ट्रोड रिंग्स होती है इसमें प्रेजेंट, जो क्या करती है, जो हमारी फोल्डेड बॉडी होती है कंटेनर की, उसको क्या करती है, पास करती है। सो ये था हमारा टिन प्लेटेड के कंटेनर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज़ एल्युमिनियम कंटेनर्स के बारे में। सो ये जो एल्युमिनियम कंटेनर्स होते हैं वो एक्सट्रूडेड यानी सीमलेस कंटेनर्स प्रिपेयर करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट, इनके पास है ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि अब बताएं, सीमलेस कंटेनर प्रिपेयर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनका जो नेचर होता है वो सीमलेस नेचर होता है। एंड कोरोजन पर ये हाईली रेजिस्ट कर सकते हैं, इनकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है कोरोजन पर वो ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से जो इनकम्पैटिबिलिटी का डेंजर होता है वो भी बहुत कम होता है। एंड इसको क्रोट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर वाटर एंड प्योर इथेनॉल का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे
एल्यूमिनियम कंटेनर है उसमें अगर हम इथेनॉल एंड प्रोपेलेंट 11 को कंबाइन करते हैं तो इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन, एसिटाइल क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रोपेलेंट 21 प्रोड्यूस करते हैं। इस पर भी बहुत ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि देखिए ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेलेंट 11 इन एन एल्यूमिनियम कंटेनर प्रोड्यूस विच, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ हाइड्रोजन, एसिटाइल क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रोपेलेंट 21। नेक्स्ट हमारा टाइप का कंटेनर है स्टेनलेस स्टील कंटेनर। ये जो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं एंड बहुत ज़्यादा मटीरियल पर रेजिस्ट कर लेते हैं। और ज़्यादातौर पे ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, इन्हेलेशन एरोजल प्रिपेयर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का कंटेनर है हमारा ग्लास कंटेनर। इसमें जो कोरोजन की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एंड इसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रीली, हम डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो है वॉल्व्स। तो स्टूडेंट ये वॉल्व क्या होते हैं, ये मल्टी फंक्शनल एंड इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये ईजिली ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। और ये क्या करते हैं, जो हमारा कंटेनर में जो कंटेंट प्रेजेंट है, जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट हमारा जो प्रेजेंट है कंटेनर में, उसको क्या करते हैं, डिलीवर करने के कैपेबल होते हैं। मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये जो हमारा डिज़ायर्ड फॉर्म का जो कंटेंट है जो कंटेनर में प्रेजेंट है उसको डिलीवर कर सकें एज इट इज़। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इसके इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एंड वो किसके बने हुए होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है फेरोल, और जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटिंग कैप भी कहते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम और ब्रास के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है वॉल्व बॉडी और हाउसिंग, ये किसके बने हुए होते हैं, नायलॉन और डेल्ड्रिन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट स्टेम, जो कि बना हुआ होता है नायलॉन और डेल्ड्रिन, सेम एज इट इज़ वॉल बॉडी और हाउसिंग की तरह। नेक्स्ट आता है गैस्केट, जो कि बना हुआ होता है बूना एंड नियोप्रीन रबर से। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग, जो कि बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील की। नेक्स्ट आता है डिप ट्यूब, जो बना हुआ होता है पॉली इथिलीन और पॉली प्रोपिलीन मटीरियल से। सो इनके भी जो हमारे पार्ट्स हैं वॉल्स के, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है फेरोल, और जिसे हम माउंटिंग कैप भी कहते हैं। ये क्यों यूज़ किया जाता है, हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये क्या करता है, वॉल्व को कंटेनर से अटैच करता है। इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, वॉल्व को कंटेनर से अटैच रखता है। और ये इस पर क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर एपॉक्सी या विनाइल की सिंगल या डबल कोटिंग होती है, ताकि ये जो कोरोजन है उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अपनी ग्रेटर कैपेबिलिटी दिखा सके अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है वॉल बॉडी, जिसे हम हाउसिंग भी कहते हैं। ये क्या करता है, इट कंटेन्स एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द डिप ट्यूब। मतलब ये क्या कंटेन करता है, इसमें एक डिप ट्यूब के जब अटैचमेंट की जो साइड होती है वहाँ पर एक ओपनिंग पॉइंट कंटेन करता है। नेक्स्ट क्या है, इसके रेंजेस होते हैं, ये कितने रेंज का होता है, 0.013 to 0.080 इंच का होते हैं। सो जो हाउसिंग होता है वो उसमें जो ओपनिंग है डिप ट्यूब के पास वो प्रेजेंट हो भी सकती है, मतलब वो ओपन हो भी सकता है या ओपन नहीं भी हो सकता, जिसे हम क्या कहते हैं, वेपर टैप भी कहते हैं। सो ये जो वेपर टैप होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्व में जो क्लॉजिंग होती है वो प्रिवेंट होती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टेम। सो इसमें एक से ज़्यादा जो ऑरिफिस होते हैं वो एक साथ अटैच होते हैं एंड स्टेम प्रोड्यूस करते हैं, स्टेम बनाते हैं, ठीक है। वन और मोर देन वन ऑरिफिस जो होते हैं वो एक साथ सेट बनाकर क्या करते हैं, स्टेम बनाते हैं। इनकी रेंजेस होती है वन ऑरिफिस की 0.013 to 0.030 इंच और टू थ्री ऑरिफिस, तो थ्री ऑरिफिस के कितने होंगे, 0.040 इंच इन ईच, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिप ट्यूब पे, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिप ट्यूब दिया गया है एंड उनका डायमीटर दिया गया है। दिस डायमीटर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ये जो हमारे डिप ट्यूब के डिफरेंट टाइप्स है एंड इसके स्पेसिफिक डायमीटर, जिसको हम इंचेस में काउंट करते हैं। सो देख लेते हैं, फर्स्ट जो कॉमनली यूज डिप ट्यूब्स होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, 0.1
1202-0.125 ये जो इनका डायमीटर होता है, जिन डिप ट्यूब को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप का डिप ट्यूब कौन सा है? कैपिलरी डिप ट्यूब्स, जिसमें डायमीटर है 0.050। नेक्स्ट आता है डिप ट्यूब फॉर हाईली विस्कस प्रोडक्ट, जो हाईली विस्कस प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए किस टाइप का डिप ट्यूब यूज़ किया जाता है वो, एंड उनका डायमीटर क्या होता है, 0.195 इंच। नेक्स्ट आते हैं मेटरिंग वॉल्स। तो ये मेटरिंग वॉल का, जैसे कि मैंने बताया कि हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारी पोटेंट मेडिकेशन होती है या पोटेंट मेडिकामेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्पेंस करते हैं। क्या कहते हैं, इनका फंक्शन ये होता है, ये एप्लीकेबल इसीलिए होते हैं ताकि वो जो पोटेंट मेडिकेशन है उसको डिस्पेंस कर सकें। अप्रॉक्सीमेटली इनका जो होता है वो 50 to 150 mg प्लस माइनस 10% ये लिक्विड मटेरियल को एक टाइम पर डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्टिवेटर। सो इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है एक्टिवेटर का, ये अलाउ करते हैं ईजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। तो जो वॉल्व की ईजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसको ये कहते हैं अलाउ करते हैं। एंड ये क्या होते हैं, हर एक एरोजल पैकेज में ये प्रेजेंट होते हैं एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एरोजल पैकेज। ओके, अब आते हैं इनके टाइप्स पर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्टिवेटर पर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है स्प्रे, देन फोम, देन सॉलिड स्ट्रीम, एंड फोर्थ आता है स्पेशल एप्लीकेशंस। सो यहाँ पर हमने टेबलर फॉर्म में दो स्पेशल जो हमारे टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, टाइप ऑफ एक्टिवेटर एंड उनके डायमीटर, जिसको हम इंच में काउंट करते हैं। तो फर्स्ट आता है स्प्रे, जिसका डायमीटर होता है 0.016 to 0.040 इंच। देन आते हैं फोम, जिसका डायमीटर होता है 0.070 to 0.125 इंच। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेट्रेड डोज इनहेलर्स। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं इनको मिनिमाइज करते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के डोसेज फॉर्म्स में, तो इनके इन डोसेज फॉर्म में क्या होता है उसको ये क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। एंड जो ऑनलाइन चेक वेइंग पे जो रिजेक्शंस होते हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, दैट शुड बी मेंटेन, जो उनका रिकॉर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए रिजेक्शन का। अब आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग के जो वेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मेनली थ्री होते हैं। फर्स्ट आता है प्रेशर फिलिंग, देन कोल्ड फिलिंग, एंड देन कंप्रेस्ड गैस फिलिंग। तो जो प्रेशर फिलिंग होता है स्टूडेंट, इसका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर, दैट शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस, कि जो प्रेशर फिलिंग होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर यूज्ड फॉर प्रेशर फिलिंग, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ रूम टेम्परेचर। कोल्ड फिलिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो -30 to -40 degrees Fahrenheit, एंड देन क्या है, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजल्स, इनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो फर्स्टली हम दो टेस्ट करते हैं, फर्स्ट आता है वॉल्व एक्सेप्टेंस एंड देन सेकेंड है लीक टेस्ट। तो वॉल्व कितना एक्सेप्ट कर सकती है इसको हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे। तो जो अगर हमारा कंटेंट है अगर वो 54 microliters और उससे लेस है, तो जो उसकी लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये ±15% होनी चाहिए। एंड जो सेकेंड, अगर हमारा जो कंटेंट है वो 55 to 200 microliters है, तो जो लिमिट्स है दैट शुड बी ±10%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं लीक टेस्टिंग, ठीक है, कितनी लीकेज हो रही है, क्या है उसमें, हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, जो वॉल्व होती है उसकी क्रिम को टेस्ट करते हैं, उसमें कितनी क्रिम है उसको चेक करते हैं। एंड जो टेम्परेचर होता है दैट शुड बी 130 degrees Fahrenheit। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजल्स। तो स्टूडेंट जो भी हम फार्मास्यूटिकल एरोजल्स प्रिपेयर्ड हो गए हैं सपोज, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेट जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो उसमें डॉट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू उसके रेगुलेशन, हम उसको क्या कहते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं, एंड किस तरीके से हम उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट टेस्ट आता है हमारा फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, रूलर, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको फ्लेम पर 4 seconds के लिए स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश पॉइंट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो अपैरेटस हम यूज़ करते हैं वो ओपन कप अपैरेटस यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, विच अपैरेटस यूज फॉर फ्लैश पॉइंट टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए टैग ओपन कब अपैरेटस यूज़ किया जाता है फ्लैश पॉइंट टेस्ट के लिए। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम -25 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं, चिल करते हैं इस टेम्परेचर पर। इस तरीके से हम इस टेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वेपर प्रेशर, जिसमें हम क्या करते हैं कैन पंक्चरिंग अपैरेटस, प्रेशर गेज, वाटर बाथ, ये सब यूज़ करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम हाइड्रोमीटर और पिकनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर, कार्ल फिशर मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते हैं इसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट, तो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ करके हम इसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फोम स्टेबिलिटी, जिसे हम रोटेशनल विस्कोमीटर से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज 0.1 to 30 माइक्रोन होता है। सो इसको हम क्या करते हैं किसे डिटरमाइन करते हैं, कास्केड इम्पैक्टर एंड लाइट स्कैटर डीके मेथड से इसको हम डिटरमाइन करते हैं इस टेस्ट को। सो लास्टली जो हमारे इम्पॉर्टेंट पेन पॉइंट, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पेन पॉइंट क्या है हमारा, मॉइस्चर कंटेंट इन एरोजल। तो मॉइस्चर कंटेंट एरोजल का कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट क्या है, तो कितना होना चाहिए बिलो 300 ppm, और कितना होना चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम, कितना होना चाहिए 200 to 300 ppm के बिटवीन ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा ड्राई स्प्रे प्रोडक्ट है उसका रेशियो कितना होता है प्रोपेलेंट रेशियो से, ठीक है। तो जो हम ड्राई प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्प्रे में और जो प्रोपेलेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 6:1। तो अगर ड्राई प्रोडक्ट है हमारा तो वो कितना होना चाहिए 6, एंड द रेशियो ऑफ प्रोपेलेंट शुड बी 1। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पिन पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.01 to 1%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या है हमारे, सॉर्बिटल, ट्रायोलेट एंड ट्वीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोटिंग, तो यहाँ पर दो टाइप की कोटिंग होती है, एक तो अंडर कोटिंग होती है जो हम कंटेनर के इनसाइड करते हैं, एक होती है टॉप कोटिंग जो आउटसाइड द कंटेनर होती है। तो जो अंडर कोटिंग होती है वो किससे करते हैं, हम विनाइल रेजिन से करते हैं। जो टॉप कोट होता है उसको हम किससे करते हैं, एपॉक्सी रेजिन से करते हैं। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट पिन पॉइंट्स जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसे कई डायरेक्ट क्वेश्चंस आए भी हैं एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। स्टूडेंट होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोजल टॉपिक के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। स्टूडेंट ये जो हमारी वीडियोज़ होती है ये सब सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हार्डवर्क होता है ये आपके लिए है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स ईजिली क्वालिफाई कर सकें और आपको इससे हेल्प मिले। तो प्लीज़ हमारे इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए अपना एक कमेंट ज़रूर करें, अपना एक मिनट का टाइम देकर हमें हमारे वर्क के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करें एंड लाइक भी ज़रूर करें। स्टूडेंट लास्टली बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।